सी शाह, जैन वागड़ समाज से आती हूँ। सबसे पहले मेरे स्वर्गीय माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे कुटुंबीजन, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को मेरा तो दिल से जय जिनेन्द्र, जय महाराष्ट्र, मेरा भारत महान। सबसे पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इसके लिए मैं उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। इसके साथ इनके जितने भी पदाधिकारी है उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। और आज मेरा इंटरव्यू देने का मतलब वो है कि मैं आपको कुछ बताने के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। खास बात यह है कि जो मैं काम अच्छा करती हूँ, 12 मार्च 2024 के दिन मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है और मेरे अच्छे काम के बारे में उन्होंने बहुत सारी तारीफ लिखी है और मुझे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आशीर्वाद भेजा है। ये सर्टिफिकेट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मुझे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2024 को ये पत्र भेजा है। इसके लिए मैं आपके समक्ष आज आई हूँ और इंटरव्यू के द्वारा जहाँ कहाँ पे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है उनको मेरा धन्यवाद और मैं बहुत सारा धन्यवाद भेजती हूँ। इसके लिए मैं आज ये इंटरव्यू दे रही हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें लिखी है, मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। मैं भी आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, अगली बार भी अभी आप ही प्रधानमंत्री के रूप में हमको मिले और हम जैसे लोगों को आप आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करिए। ये मेरी आपसे विनंती भी है और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। आपके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है उनको भी मैं धन्यवाद दे रही हूँ। और इसके बाद और मैं सबसे पहले मेरा आज खुला मेरे बारे में कुछ बता रही हूँ कि मैं किसी एनजीओ से भी नहीं हूँ या किसी पार्टी से भी नहीं हूँ और किसी महिला मंडल द्वारा भी मैं ये काम नहीं करती हूँ। मैं ये जो काम करती हूँ मेरे खुद से, अपने हिसाब से मैं ये सब काम कर रही हूँ और मैं बहुत साल से करूँगा, लगभग ये 10-15 साल से मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। जो काम मैं सबसे पहले तो मैं लीगल वर्क का काम करती हूँ, जैसे मैं फैमिली मैटर लेती हूँ, सिविल मैटर लेती हूँ, क्रिमिनल मैटर लेती हूँ, जैसे कि किसने घर कब्जा किया है, प्रॉपर्टी रिलेटिव का कोई मैटर आता है, गरीब लोगों का झोपड़पट्टी एसआरए का प्रोजेक्ट का जो मैटर आता है, इस प्रकार मेरे पास सभी प्रकार के लोग आते हैं। इसमें खास करके गरीब लोगों को मैं बहुत सारा हेल्प करती हूँ, वो अच्छी तरह से समझाती हूँ इस मैटर से किस तरह से उनको बाहर निकालना है और इनके आशीर्वाद से मैं साथ में सोशल एक्टिविटीज भी करती हूँ। इसमें से मैं खुद जो कमाती हूँ थोड़ा गरीब लोग के लिए मदद करती हूँ। इस तरह से मेरी जो काम की सराहना है वो देखते हुए मुझे काफ़ी सारा अवॉर्ड मिला है, काफ़ी सारा लेटर भी मिला है। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन से कोरोना काल में जो मैंने गरीब लोगों का मदद किया है इसके रूप में मुझे सम्मान पत्र भी एमआईडीसी पुलिस स्टेशन से आदरणीय डीसीपी साहब रेड्डी साहब के द्वारा मुझे दिया गया है और काफ़ी सारा अवॉर्ड सम्मान पत्र सब मिला है मुझे। तो ये मैं आपको जनता को ये बताना चाहती हूँ, आप लोग जो एनजीओ चलाते हो, महिला मंडल काफ़ी लोग चलाते हैं, लोगों से डोनेशन लेते हैं, बड़े बड़े बैनरों में खर्चा करते हैं, तो इससे अच्छा हम जैसे लोग जो काम करते हैं ना, जो ना मेरे पास कोई मतलब एनजीओ है ना कोई इसमें टीम है, मैं अपने हिसाब से ही लोगों का मदद करती हूँ। जो कमाती हूँ उसमें से थोड़ा हिस्सा गरीब लोगों के लिए मदद करने में रखती हूँ। तो आप भी मेरी तरह आगे बढ़िए और ये काम कीजिए। आप जैसे अपना नाम कमाने के लिए दूसरों से डोनेशन लेके जो काम करते हैं, इससे अच्छा आप गरीब लोग का जो मदद करना चाहते, मेरे हिसाब से मैं जैसे करती हूँ वैसे करना चाहिए। आप न दिखावा करते हुए भी आप काम कर सकते हो, मैं ये काम दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मेरे को सिर्फ आशीर्वाद चाहिए उनका और मेरा शरीर स्वस्थ रहे और इस काम में मैं और आगे बढ़ूँ,
इस आशीर्वाद के हिसाब से मैं ये काम करती हूँ। ना मेरे पास कोई बाउंसर है, ना टीम है, ना कोई किसी का सपोर्ट है। आज जब से मैं ये काम में लगी हुई हूँ, 15 साल पहले से, अपने हिसाब से ही मैं आगे आगे बढ़ रही हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आज इतने तक आ गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंत्री जी ने भी मुझे ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट रूप में आशीर्वाद दिया है। तो आज से मेरी हिम्मत तो और भी बढ़ गई है कि मुझे और भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसी तरह से आप सभी का साथ सरकार हो, आपका सबका आशीर्वाद हो, और मैं इसी तरह से आगे बढ़ूं। और आप सभी को हर टाइम जो वीडियो में मैं मैसेज भेजती हूँ, प्रॉपर्टी रिलेटिव और भी फैमिली में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में, अलग अलग विषय में जो व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा मैं वीडियो में भेजती हूँ, और आपने मेरी काम को सराहना देते हुए आपका प्रोत्साहन भी मिल रहा है, और आपका साथ मिलते हुए मैं आज आगे ही बढ़ रही हूँ, और आपका